अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बखैर ऑफिस से होंगे। तो हम पहुंचे अपने मिनी जू में यार। वेलकम बैक करते हैं आपको अपने मिनी जू के अंदर यार। आज बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज हमें मिली है सुबह सुबह। मतलब जैसे ही मैं अपने मिनी जू में आया हूँ ना, सुबह आया था तब मैंने देखा तब ये गुड न्यूज ही थी, पर अब जो है ना मैंने आगे कन्फर्म किया, वाकई में यार बेहतरीन गुड न्यूज है। आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा भाई। हम पहुंच चुके हैं यार, क्योंकि मिनी जू में कराची का चैनल, कराची का मिनी जू, हमारा जो चैनल है कराची का मिनी जू, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, इसको जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर दे यार, क्योंकि आपको इसी तरह रोज 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 इसी तरह के मजेदार मजेदार लोग आपको देखने के मिलेंगे इंशाल्लाह। और ये देखे हमारे राजा, ओ तेरी राजा की बदमाशी, देखो सारा दाना गिरा देता भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा डाल दो किसी चीज में। रियाज का गला दबरा, छोड़ो एक मिनट। मेमे पारी मेमे, हाँ जी, आप कैसे खिलाओगे इसको? फिर इसको यहाँ डाल लेते थोड़ा। राजा ये खाओ, अब देखना राजा मजा ले, वो खाएगा इसके पीछे पीछे भागता रहेगा। इसको मैं यहाँ पे ना रख देता हूँ साइड पे, क्योंकि हमने ये सबको चलाना है यार। आज मैं बर्ड हम लोग मार्केट नहीं जा सके किसी वजह से, दाना नहीं लेके आ पाया मैं आज यार, क्योंकि हमारे सारे पेट्स का दाना सुबह से था, हमारे सारे पेट्स का दाना यार सुबह से खत्म हुआ हुआ था। मैं जो है आज मैंने मार्केट जाना था पर मैं जा नहीं सका, क्योंकि थोड़ा काम था तो मसरूफ था। तो अभी मैं सिर्फ इनके लिए बाजरा लेकर आया हूँ, वो मैं इन लोगों को सर्व करूंगा। और दाना हमारे पास नहीं है अभी, आज रात का गुजारा है यार, करवाते हैं कोई बात नहीं। और वो देखिए मैं अपने सुरखा उसके लिए ना यार, मैंने पता क्या किया था सुरखा के लिए, इब्राहिम हमने दाना ऊपर लगाया था, अभी वो दाना नीचे गिरा दिया, दाने वाला डब्बा। लगता है सुरखाब को ना इन लोगों ने पानी पीने दिया ना दाना करने दिया। भाई ये लोग बड़े ही जालिम चल रहे हैं भाई सुरखाब के साथ हमारे। ये देखो ये पानी भी अलग में रखे गया था इसके लिए, पता है आपको। यहाँ पे मैंने ना इधर ऐसे पानी रखा था इस बेचारे के लिए, मैंने कहा शायद पानी पी लेगा, पर वो उन्होंने ना इनको ना दाना करने दिया ना पानी करने दिया है। ओए गुस्सा कर रहा है भाई, गुस्सा कर रहा है। अरे कुछ नहीं कह रहा, टेम हो जा भाई, हमारा टेम हो जा, तेरी मेहरबानी है यार। अबे कैसे भाग गया देखा आपने। अच्छा माशाल्लाह कैसा फुर्तीला जबरदस्त हुआ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही एक्टिव हुआ है हमारे। ओए तेरी इब्राहिम, ध्यान पीछे ध्यान पीछे 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 किसका वो खराब अंडा है वो। देखा माशाल्लाह हमने बटेर की छलांगे आप लोगों ने चेक की, माशाल्लाह कितना जबरदस्त फ्लाई करने लगे हमारे बटेर। और ये यार हमारे बाकी सुरखाब होते ना यार, तो वो भी इसी तरह माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव होते, पर यार ऐसा नहीं हो सका, बदकिस्मती से हमारे बदनसीब, हमारे अंदर हमारे नसीब में नहीं था उनका जो है ना बड़ा होना। ये वाला माशाल्लाह हमारा बिल्कुल वैसे बड़ा हो गया, ये शुरू से ही बड़ा आया था, अब जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल प्योर तैयार हुआ, प्रॉपर तैयार है हमारा ये वाला सुरखाब ना। अभी वो जगह ढूंढ रहा है, क्योंकि पता नहीं शायद, ये देखो ये मुर्गी आएगी इसको मारेगी, मैं अभी जब बाहर होऊंगा ना तो ये खुला अटैक होगा भाई इसके ऊपर। ये देखे अबे इनको क्या हो गया, ये क्यों छलांगे मार रहे इतनी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इनका। ये देखे आपको इनकी ना फ्लाई चेक करवाता हूँ, कितनी साइलेंट फ्लाई करते हैं और ये कमाल फ्लाई करते हैं यार ये लोग। वो देखा सीधा अबे ये कहाँ चेक करें, इनकी कितना जबरदस्त फ्लाई करते हैं यार, इनकी फ्लाई बड़ी जबरदस्त है। अच्छा इसमें मैंने सुना एक बटेर ऐसा भी आता है जो प्रॉपर फ्लाई करते हैं, ऐसे उड़ जाता है बिल्कुल भाई। ये इसमें बहुत किस्में हैं भाई, बड़ी बड़े टाइप्स हैं इसके अंदर भाई, इस बटेर के अंदर बहुत ज्यादा टाइप्स आती हैं। बड़े बटेर भी आते हैं, वो तो इतने महंगे महंगे होते हैं, ये तो छोटे छोटे वाले ना यार, ये तो फार्मी अपने आप मशीनों में इंक्यूबेटर से पैदा किए हुए होते हैं। ये इस बेचारे के पर नहीं है, वो बेचारा उड़ने की कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। इनको सबको दाना पानी ला के डालता हूँ यार मैं, क्योंकि इनको इनके दाने का टाइम है ना यार अभी, इनको पता जैसे ही पता है आपको, मैं लाइट ऑन करता हूँ ना रात को आते ही, तो इन सबको पता चल जाता है कि भाई इनके दाने का टाइम है। किसने खोला है गेट? आपने खोला है ना? आपने खोला है, मैंने देखा था लास्ट टाइम, अभी आप गए हुए थे अंदर, तो आपने भी खोला था। तो मैंने खोला था इसका मतलब आप भी खोलोगे, सही बदमाशी है। अभी उड़ जाती ना डब, फिर पता चलता कल कैसे मुश्किलों से पकड़ी थी, देखा था ना आपने कितनी मुश्किलों से हमने यहाँ से उड़ी पहले, फिर यूं गई, फिर वहां जाके फंसी थी, इतनी मुश्किलों से पकड़ी जाती है पता है आप। जाली से जाली तो उड़ दी भी आप लोगों ने। अभी दाना लाओ, इनको दाना वाना डालना है, मैंने सबको दाना, कल बर्ड मार्केट से जाएंगे लेकर आएंगे अपने। आप अभी से व्यूवर्स को क्यों बता रहे हो हम कल क्या करने वाले, अभी ये सरप्राइज होते हैं, सारी चीजें सरप्राइज रखने में, क्यों सरप्राइज बताना है? अभी नहीं बताना, अभी हम बताएंगे आज तक इनको, आपको बताएंगे क्या बता। नहीं नहीं मैंने नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा इनको, आप अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा हम क्या करने वाले, अभी नहीं बताऊ इनको। ये हमारी जो मुर्गी है यार, वो पता नहीं अभी इसका सीन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सीन है, देखे एकदम ऊपर देखती रहती है ऐसे। अच्छा इसको सही चलना भी नहीं आ रहा है पता है, सीधा भी नहीं चलती है। देखो ये देखो इसके काम चेक करो, ये देखो अबे पता, अबे देखो अबे क्या हो गया इसकी, तो चाल ही टेढ़ी, मुझे लग रहा है इसको चश्मा लगवाना पड़ेगा हमें। ये देख रहे हो, मुझे लग रहा है इसको ना ग्लासेस की जरूरत है, इसके ना आईज बहुत ज्यादा वीक हो गई है। मेरा ख्याल ये दाना भी ढूंढ पाती होगी, नहीं पाती होगी इब्राहिम?
इसको कटवा दो। इब्राहिम कहता सारी मुर्गियां कटवा दो, जो बीमार, वैसे कहता सही है, इसको इनको कटवा के एटलीस्ट हम खा तो सकते ना यार, यहाँ पे तो जाया हो जाती है। ये देखो मुझे ना इसकी आई साइड का इब्राहिम बड़ा इश्यू लग रहा है यार। हमने सोचा था देसी मुर्गी लेकर आए, अंडे वडने देगी, उसमें से बच्चे वगैरह निकालेगी, सारे अरमानों में पानी फिर गया यार, कसम खुदा की। वो तो अंकल तो बड़ी था, अंकल ने तो इतनी टोपियां कराई ना हमें। ये देखो राजा क्या ढूंढ रहा है, इसको खाना खिलाया ना हमने राजा को, अंकल ने तो इतनी टोपियां कर, क्या कह रही हो, क्या नहीं करी, टेम नहीं करी, डक को क्या चेंज करना है, आप क्या कह रहे हो, व्हाइट वाली लेकर आऊं। अबे सारे बच्चे सब हमारे घर में जितने लोग हैं ना तकरीबन इन डक से ना सारे तंग है यार, वो क्योंकि इतना गन मचाती, इतना अजीब सीन है इनका ना, डक्स का मजेदार वाला सीन नहीं है इनका, इनको व्हाइट वाली लेकर आएंगे हम इनको। मैंने सोचा इंशाल्लाह इनको ना एक दो दिन में चेंज करा के ना इनसे व्हाइट व्हाइट वाली लेकर आऊंगा। वो देखो वो देखो वो देखो ये देखना, अबे उसको क्या हो गया, उसको क्या नजर आ गया, ऊपर दाना, उसका दाना इधर है, ये देखो अबे कैसे अजीब अजीब तरीके से देख रही है इब्राहिम, उसका क्या सीन है यार, उसका क्या करें हम लोग, ये मुझे समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ये देखो करवाओ जरा फ्लाई करवाओ, देखना पाँव भी नहीं रख पाएगी, अबे बेचारी क्या सीन है इसका। वो देखो वो देखो वो इसको मारने आगे फौरन, राजा राजा इधर आओ भाई, राजा इसको इसको ग्लासेस लगेंगे, इसको क्या हुआ, इसको चश्मे लगेंगे भाई, इसकी नजर वीक हो गई बेचारे की। और राजा देखो माशाल्लाह माशाल्लाह यार, अब राजा ना काफी काफी भरा भरा सा लग रहा है इसने, माशाल्लाह लगता है खाना वाना सही खा रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए राजा राजा हमारे आंख पे लगता अभी, अरे हमारे व्यूवर्स को बताओ आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है भाई, आपके ऊपर खांसी की है, तो प्यारा प्यारा बिल्ला प्यारा बकरा प्यारा बकरा प्यारा बकरा, इसको पकड़ के रखो ये गिरने वाला था भाई, छोड़ दो भाग रहे थे इसको, हाँ इसको भूख लगी है, इसको दाना खाना है, इसको दाना दो ना आप लोग, दाना खाएगा ये, वो वहां पे नहीं खा रहा, इनको चारा वारा ला के दो, डक्स को दाना डालता है डालना यार, सबको दाना वगैरह डालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या गुड न्यूज है, हमने जो है ना आपके साथ शेयर करनी है आपको बताते हैं। और ये देखे यार मैं जाते हुए ना कल के मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बताया था इनका पानी का बड़ा इशू है, पानी हमेशा गिरा देते हैं, मैंने इसमें डाला था, अब सारा पानी पी लिया है इन्होंने, इस पे डालता हूँ हमेशा गिरा देता है। बबलू जो है ना बड़ा शरारती हुआ है, और बबली माशाल्लाह हमारी, चलो यार अब आज तुम लोग भी बाहर जाओ, चलो चलो चलो, अबे टड़िया लगाती है, इतनी जोर का पर मारा इसने, अच्छा इसके पर वापस आ रहे हैं, हमें अब जो इसके पर इंशाल्लाह एक दो दिन में काटने होंगे, ये ना ये फुल फ्लाई करके निकल जाए हमारे हाथ से, इसके पर मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में काटता हूँ। इससे पहले क्या कहते हैं सबको दाना पानी देते हैं, इससे पहले सारे ना बदवाएं वगैरह देने लग जाए, इनको दाना पानी डालते फिर आपसे मुँह लगा देते। तो यार हमारी जो गुड न्यूज़ है ना यार, वो ये इसी रूम के अंदर ही है, यहीं मौजूद है सेफ्टी रूम के अंदर, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये कॉकटेल जो हमारा पेयर है ना यार, इसका हमने कोई करी, वो देखें इसका मेटिंग डांस देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें देखा, ये जब इस तरह करते हैं ना तो इसका मतलब होता है ये मेटिंग डांस होता है इनका, ये अपने पार्टनर को ना इम्प्रेस कर रहे होते हैं अपनी इस आवाज़ से, और इस तरह ना ये इस तरह कर रहे थे, क्योंकि इसकी जो हमारा डायमंड पाइट डव है ना, और उसके साथ मैंने छोड़ी हुई है डायमंड डव, साथ ही डायमंड डव, तो हमारी जो डायमंड पाइट डव की जो फीमेल है ना यार, वो अभी थोड़ी छोटी है और एडल्ट नहीं हुई है अभी पूरी, अभी इसमें टाइम है। तो दूसरी जो हमने इसका डायमंड जो डायमंड डव छोड़ी है ना डायमंड पाइट के साथ, वो डायमंड डव जो है ना वो पूरी जो है ना एडल्ट है, वो उसकी फीमेल जो है वो तैयार है अंडों के लिए, पर वो यहाँ पे ब्रीड वगैरह नहीं कर रही, आई डोंट नो उसका क्या इशू है क्या मसला है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे हमारे कॉकटेल पैरेट्स है ना यार ये हैं, और हमारे ये ग्रीन पैरेट्स हैं, इन दोनों को हमने जो है बर्ड मार्केट लेके जाना है, इनको हमने एक्सचेंज करना है, क्योंकि यार ये ब्रीड वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहे और इनको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा इनके साथ, मतलब ये ना जो फ्रेंडली पैरेट्स होते हैं ना, तोड़ दिया ना, अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग यहाँ आते हो और मेरे लिए ना काम बढ़ाते हो, और ये देखो दाना कहाँ डाला हुआ है, पानी और दाना किधर डाला हुआ आप लोगों ने, सारा दाना और पानी जाया करने वाले हैं ना आप, काम करते हो आप लोग सारे। और ये देखो, तो ये ग्रीन पैरेट्स और हमारे जो कॉकटेल पैरेट्स है ना यार, इनको और हमारी जो डक्स हैं, इनको एक एक करके ले जाके इनको मैं बर्ड मार्केट ले जाऊंगा, इनको एक्सचेंज कराऊंगा यार, क्योंकि हमने जो है ना यार ये मतलब जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा उससे उलट हुआ, वैसा रिजल्ट नहीं आया इनका, मतलब ये मतलब ना टेम हो रहे ना, मतलब ना ब्रीड वगैरह कर रहे हैं ना अंडे वगैरह कर रहे हैं,
ना मतलब कुछ ऐसा सिस्टम कर रहे ना यार, मतलब डरे डरे से रहते हैं, एकदम छुपे रहते हैं, बिल्कुल जंगली जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसे रहते हैं यार। तो मैंने सोचा इनको ले जाके ना एक्सचेंज करवाते हैं मार्केट से, इनकी जगह कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं जो टेम हो, जो हाथ पे आती हो, मतलब जिसका कोई फायदा हो हमें ना, मतलब चलो ब्रीड वगैरह नहीं कर रही है तो मतलब ऐसा तो हो कि बच्चे जो है ना उसे खेल सके। ये तो हाथों में भी नहीं आते, काटते हैं, इतना तंग करते हैं, उल्टा ना उड़ने की कोशिश करते हैं। और हम मैंने सोचा इनको अभी ले जाऊंगा, इनको ले जाके ना चेंज करवा दूंगा। हो सकता है किसी भाई के काम के हो तो वो इनको टेम कर सकता हो, जिसको पता हो, मुझे तो मालूम नहीं है ना टेम मुझे करना आता है। मतलब हम फिर भी मैंने ट्राई तो की थी एक दो बार, पर वो उल्टा सीन हो गया था, हमें इतना इतना जोर से मेरे हाथ से काटा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने ट्राई नहीं की। तो अभी हम इसको ले जाएंगे, ऐसे बर्ड लेके जाएंगे जो बिल्कुल टेम हो ना यार। अभी देखें माशाल्लाह सारे कैसे ना दाना पानी करके ऊपर चले गए। अभी सुरखाब के पानी के लिए, दाने और पानी के लिए ना जुगाड़ करना है हमें इसको, ऊपर पाना, पानी और दाना, पाना मैं तो बार बार पाना किए जा रहा हूँ, पानी और दाना जो है ना इसको हमने ऊपर सर्व करना है। क्योंकि यार इस बेचारे को ना ये नीचे पता नहीं क्यों नहीं आगे खा पा रहा है, इसको मैं जाता हूँ एक दफा ट्राई करता हूँ ये नीचे जाए और दाना पानी करे, देखिएगा कैसे ना चाइनीज मुर्गी उसके पीछे पड़ जाएगी। आप लोग ये चीज चेक कीजिएगा, आज मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। भाई टेम ही नहीं हुआ हमारा ना हाथ का, पता नहीं क्या मुसीबत है इसको। मैंने तो इतनी कोशिश की हमारा टेम हो जाए ना यार, पर अब माशाल्लाह इतना एक्टिव और वो देखे आया, मैं पीछे होता हूँ ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, वो देखो देखा कैसे चाइनीज मुर्गी इसके पीछे पीछे जा रही है, उसको मारने की कोशिश करी। अभी जब इसने अंडे दे दिए ना चाइनीज मुर्गी ने, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं बाकी उनका क्या हाल करेगी जब जब ये अंडे दे देगी। मैंने सोचा जब ये अंडों पे आ जाती है ना चाइनीज मुर्गी, कोई भी मुर्गी हो, चाइनीज नहीं कोई भी मुर्गी हो, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा मारने वाली हो जाती है। अब ये इसका अभी से ये हाल है, जब इसके अंडे वगैरह हो जाएंगे तब क्या हाल करेगी। अब देखा अब आया ना नीचे, अब दाना पानी करने लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ जी क्या रैबिट अंदर बंद कर दिए, रैबिट को दाना पानी करने दो ना। हमारी एक रैबिट, ये वाली रैबिट ना बार बार उसके अंदर आ रही है जा रही है। हाँ एक और रैबिट है उसके अंदर, यहाँ इसके अंदर एक और रैबिट है अंदर कोने में देखो। ये रैबिट हमारे, ये लो भाई इनको चारा खाने दो ना यार, इनको भूख लगी है बेचारों को सबको, इनको दाना पानी करने दो ना। वो देखो बीमार, रेहान वो मुर्गी बाहर लेकर आओ रेहान, माशाल्लाह काफी टाइम बाद देखो बोल रही है यार, ये बोलना शुरू किया। इब्राहिम इसको जाओ बाहर लेकर आओ, जान जाओ वो मुर्गी को बाहर लेकर आओ जाओ। अबे यार इनके केज कितने ज्यादा दोबारा से गंदे हो गए सबके, आप लेकर आओ ना जाओ लेकर आओ, बच्चे से डर रहा है। तो यार इन सबके केजेस वगैरह जो है सारे कितने फिर से गंदे होना शुरू हो गए सबके केजेस, इनकी सफाई करने वाली रह गई और हो गई है। ये देखो इसकी हालत चेक करो कितना गंदा हो गया, इसकी फिर से सफाई करने वाली हो गई है। उसका केज चेक करो, खा रहा है खाने दो। तो इनको अभी ये देखो यार कैसे मार रहे हैं दूसरे को। तो भाई फाइनली आपको बताता हूँ हमारी जो गुड न्यूज है ना यार, वो क्या है, वो ये है कि हमारी जो ग्लेडियन फिंच है ना यार, माशाल्लाह गोल्डियन फिंच सॉरी, हमारी जो गोल्डियन फिंच है ना माशाल्लाह, उसने नेस्टिंग बॉक्स बना दिया है। वो देखिए नेस्टिंग अंदर तैयार कर दिया, अब इसमें आना जाना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये अंडा दे देगी। यार बड़ी जबरदस्त न्यूज है ये कि हमारे गोल्डियन फिंच ने नेस्टिंग बनाना शुरू कर दिया, और इसमें उम्मीद है कि भाई बहुत जल्द ये लोग जाके अंदर जाना शुरू कर देंगे और अंडे वगैरह देने। ये देखें नेस्टिंग का सामान इसका ना, ये घास मैंने इसको डाला था, इसने उठा के ना इसको सुखा रही है, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। इनके बारे में एक बड़ा अजीब सा फैक्ट मुझे मालूम हुआ है, कल ही पता चला, कल परसों मैंने देखो सुना था कि भाई ये जो गोल्डन फिंच है ना यार, ये अंडे वगैरह देती तो है पर इसमें कभी भी बैठती नहीं है, इसमें अपने बच्चे को कभी भी पालती नहीं है, उसमें अंडा वगैरह, अंडे में से बेबी वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकालती है। बड़ी वो है मतलब ना इस चीज में बड़ी ढीली है, और बड़े अजीब किस्म की ना इसकी म्यूटेशन है कि ये अपना अंडा तो देती है पर उसमें से बच्चा वगैरह नहीं निकालती, ना उसको पालती है, ना उसकी टेक केयर करती है, उसको बस अंडा से अंडा देती है और भाग जाती है, मतलब साइड पे हो जाती है। वो अंडा फर्टाइल हो या अनफर्टाइल हो इसको उससे कोई गर्ज नहीं होता, इसीलिए इसकी जो है ना इतनी रेयर होती जा रही है, इतनी रेयर म्यूटेशन होती जा रही है ये वाली। तो इसीलिए जो है ना इसका इसके लिए लोग क्या करते हैं, फॉस्टरिंग करते हैं, इसके साथ दूसरी चिड़िया लेते हैं, उसके इसके जरिए इसके अंडे फर्टाइल करवाते हैं, उसमें से बेबीज वगैरह निकलवाते हैं। वरना ये इन्होंने जो है ना वो फॉस्टरिंग वो अंडे देना और उसमें से बेबीज निकालना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो यार ये थी हमारी आज की न्यूज़ कि भाई हमारी जो गोल्डन फिंच है ना यार, इसने अंडा जो है ना नेस्टिंग बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, इसमें जाना भी शुरू कर दिया। उम्मीद है बहुत जल्द ये अंडा वगैरह दे देगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे भाई कैसा जबरदस्त सीन होता है वो भाई। तो अभी सबको दाना पानी, इनका सबको दाना पानी मैंने दे दिया, सिर्फ हमारा जो बकरा है ना यार, ये देखिए माशाल्लाह हमारे रैबिट्स ना कैसे मजे से ना फिनिश करने में लगे हुए अपना सारा खाना ना, वो देखिए कैसे जोशो खरोश से लगे हुए बिल्कुल ऐसे जैसे अभी सारा खत्म करे। वो देखिए इसका बेबी चेक करे कितना प्यारा, इसका बेबी कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह देखो।
पकौड़े इसका बेबी पकौड़ो कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह यार। ये देखिए गाइस कितना जबरदस्त हो गया यार ये, सही सही माशाल्लाह, इसने पैसे वसूल माशाल्लाह, अपना कद निकाला सही बड़ा हुआ है। बच्चों को देखें कितना प्यारा है, कितना पसंद आता है ये देखें। अच्छा टेम भी हुआ है हमारे हाथ का ना ये, हमें कुछ कहता भी नहीं, काटता वाटता भी नहीं, पंजे भी नहीं मारता, इतना क्यूट सा इतना प्यारा सा है ना यार, ये फुली टेम है हमारे हाथ का। इसको आप अगर कुछ दाना वाना खिलाना शुरू करें ना तो ये उसके हाथ में भी जाता है। और बेबी को हाँ जी हाँ जी ये देखो कितना कितना क्यूट है, टूटू प्यारा चाहे कितना प्यारा सा है भाई। तो इन सबको अभी दाना पानी देते हैं, सबको अंदर करते हैं और इन सबको अंदर बंद करते हैं भाई। ये देखिए मछले कैसे हमारा दाना पानी खा रहे हैं, या सुरखाब के दाने का पानी का ना जुगाड़ करना है हमने। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। और हमारे चैनल कराची का मिनी जू को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी और उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे यार ये वाले पिजन जो है ना, इनका मुझे समझ नहीं आती ये इस वाले बॉक्स में जाके अंडे क्यों नहीं देते, मुझे तो बिल्कुल ये चीज समझ नहीं आती है। और हमारी डव जो है ना, उसने भी अंडे वगैरह कुछ भी नहीं दिया, अभी बस नेस्ट तैयार करने में लगे हुए सारे। इन लोगों ने तकरीबन ना नेस्ट बनाने में जोर डाला हुआ है और जो है अंडे वंडे का कोई सीन नहीं लोगों का। तो अभी इन सबको देखते हैं डव का, वो जो सुरखाब है उसके पानी का जुगाड़ करते हैं और उसको फिर बंद करते हैं यार, क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ है, दाना पानी बहुत कम खा रहा है, इसको पानी डालते हैं और दाना भी डालते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल, कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।